अली खान एक ऐसी अभिनेत्री रही साल 2018 की, जिनकी दो दो फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई, एक डेब्यू फिल्म और उसके बाद एक और फिल्म, और पूरे तरीके से एक ही साल के अंदर ये अभिनेत्री छा गई। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे सारा अली खान, जो कि खुद काफी ज्यादा खबरों में है, लेकिन बीते दिनों वो एक ऐसी खबर को लेकर चर्चाओं का विषय बनी थी जो कि सच नहीं थी। ऐसे कहा जा रहा था कि सारा अली खान ने अपनी मां अमृता का घर छोड़ दिया है और वो किसी और घर में शिफ्ट हो गई हैं। इस पर अब चुप्पी तोड़ी सारा अली खान ने खुद ही। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि इन दिनों इन सब के अलावा सारा अली खान के ऊपर क्या क्या खबरें वायरल हो रही हैं। डाली नजर इस खास रिपोर्ट पर। और बीते काफी दिनों से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि सारा अली खान ने अपनी माँ का घर छोड़ दिया है और वो अपने ही किसी और घर में शिफ्ट हो गई हैं। पहले आपको इस खबर की पूरी पूरी सच्चाई बता देते हैं, और ये सच्चाई हम नहीं बल्कि सारा अली खान खुद आपको बताएंगी। नहीं सर, ये भी गलत अफवाह है। मैं मॉम के साथ रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ, और बस इंशाल्लाह बहुत समय तक उनका ही दिमाग खाती रहूंगी मैं हर जगह। वाली तो आपने जाना कि कैसे सारा अली खान ने इस खबर को पूरे तरीके से नकार दिया है कि वो अपनी माँ का घर छोड़ेगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये खबरें महज र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो हमेशा ही अपनी माँ का दिमाग खाती रहूंगी। आपने सुना होगा इस वीडियो में सारा अली खान का क्या कहना था, तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सारा अली खान अपनी माँ के साथ बेहद अच्छा बर्ताव करती हैं और अपनी माँ की काफी ज्यादा ध्यान भी रखती हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब सारा अली खान की फिल्म यानी कि केदारनाथ लटक गई थी, यानी कि फिल्म में काफी सारी अड़चने परेशानियां सामने आ रही थी, तो उनकी माँ अमृता ने ही उनकी मदद भी की थी। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सारा अली खान को लेकर बीते काफी दिनों से ही ये भी खबरें वायरल हो रही हैं कि सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही हैं, हालांकि इन खबरों की अभी तक किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सारा अली खान अपनी माँ के साथ ही रहती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे वो अपनी माँ के साथ ही रहेंगी, और साथ ही साथ वो काफी खुश भी हैं और उनकी माँ भी काफी खुश हैं अपनी बेटी से। और तभी तो देखिए ना, साल 2018 में उनकी दो दो फिल्में रिलीज हुई, एक तो केदारनाथ और दूसरी सिम्बा, और दोनों ने ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया है। बोला आपने जाना कि किस तरीके से र्यूमर्स ने काफी ज्यादा तुल पकड़ लिया था, और सारा अली खान ने खुद इन खबरों को क्लियर किया कि ना ही तो ऐसा हुआ है और ना ही ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि उन्होंने अपनी माँ अमृता का घर नहीं छोड़ा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।